लेकिन लोग कहते हैं कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दो। अरे लॉकडाउन लगा देंगे तो खाएंगे क्या? मजदूर आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अच्छा बढ़िया है कि लॉकडाउन में मरे या लॉकडाउन में मरे, जैसे भी मरे मरना तो है। कि वो पुलिस वाला जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं आधा घंटा से फॉलो कर रहा हूँ उसको, ठीक है, तो तब से मोबाइल में ही बात कर रहा हूँ। मतलब लोग अब यहाँ पे रही कहाँ, ये तो दिल्ली खाली हो चुकी है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान। कोरोना 2.0 ने एक बार फिर से कोरोना 1.0 वाले हालात पैदा कर दिए हैं। जहाँ मुख्य बसावटों में सन्नाटा नजर आ रहा है, तो वहीं जहाँ से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आनंद विहार हुआ, ISBT हुआ, या फिर बाकायदा और जितने भी रेलवे स्टेशन दिल्ली के कोनों कोनों पर जो स्थित हैं, वहाँ पर एक बार फिर चहल पहल शुरू हो गई है। एक बार फिर भारी संख्या में लोग जो हैं वापस अपने गांव, अपने शहर को जाने के लिए निकल पड़े हैं। एक बार फिर लॉकडाउन लगने के बाद सही दिल्ली में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है कि शायद अब ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, शायद कंपनियां बंद हो जाएंगी और शायद एक बार फिर उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे में लोग यहां पर एक बार फिर अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं, लोग एक बार फिर अपने घरों की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जहां आनंद विहार की जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि जो अभी तक कोरोना 1.0 जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ें सामान्य होने लगी थी, लेकिन अप्रैल आते ही चीज़ें एक बार फिर बिगड़ने लगी और एक बार फिर जो पलायन था वो शुरू हो गया। लोग एक बार फिर से अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। घर को वापस जा रहे हैं? हाँ घर जा रहे हैं। ये बताइए लॉकडाउन लग गया इस वजह से घर की ओर वापस? लॉकडाउन लग गया इसलिए जा रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर कब आप पिछले लॉकडाउन में कहाँ थे आप? मैं गाँव से आया हूँ, यहाँ आए थे कल परसों, और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, काम धाम नहीं है, ना खाने पीने को कुछ, इसलिए जा रहा हूँ। एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया? एक बार फिर लग गया और क्या। तो ये बताइए लॉकडाउन की वजह से कैसा, मतलब हाल क्या है आप लोगों का? बिल्कुल बेकार है लॉकडाउन, ये इतना कोरोना नहीं सता रहा, उससे ज्यादा लॉकडाउन सता है। और क्या, लोग कोरोना नहीं मालूम, लेकिन लॉकडाउन से बहुत दिक्कत हो रही है। तनिक बाद में लॉकडाउन लग जाता है, फिर लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, कहीं 5 दिन का, कहीं 6 दिन का, कहीं 1 हफ्ते का, ऐसे बढ़ाते चला जाते हैं। परेशानी हो रही होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, ना खाने को ना पीने को, कोई सब दिक्कत हो रही है यहाँ पे। सरकार अगर लॉकडाउन लगा रही है तो इसके साथ ही और कोई उपाय नहीं कर रही है आप लोगों तक कुछ आपकी सुविधा के लिए? कोई सुविधा नहीं हो रही है, लॉकडाउन लग रहा है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत, गरीब मजदूर यहाँ कमाने के लिए आते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गरीब मजदूर और खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसके बाद जो तमाम समस्याएं, उस पर सरकार कब ध्यान देगी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार भारी संख्या में बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भीड़ है वो भी एक खतरा पैदा कर रही है। घर जा रहे हैं अपने? जी। कहाँ पर है ये? UP प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन की वजह से, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर जो बढ़ने लगा उसके बाद जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से घर जा रहे हैं? कह सकते हैं। क्या काम धंधे में कोई परेशानी, कोई कंपनियाँ बंद होने लगी? काम तो बंद हो गया ना। काम बंद हो गया इसलिए घर जा रहे हैं? जी जी, काम बंद हो गया। पिछले लॉकडाउन में कहाँ थे आप? घर पे ही था। घर पे ही थे। लॉकडाउन तो 6 दिन का लगा है, फिर तो खुल जाएगा ना, फिर शायद कंपनियां दोबारा चलने लगे। ऐसा होना चाहिए ना, भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं, TV पर आए, उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए लॉकडाउन जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं होगा, आप लोग कहीं मत जाइए, घर मत जाइएगा। तो कितनी बार भरोसा रखें, भरोसा रखने कितनी बार रखें, भरोसा भरोसा बना के रखना चाहिए ना। भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। ये झोला लेकर कहाँ निकल लिए? घर पर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं किस वजह से? कोरोना वोरोना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इतनी भीड़ है, उसका लॉकडाउन की वजह से घर जाने की? लॉकडाउन बढ़ जाएगा इसलिए घर जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो कहा है कि 6 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, और अपील भी की कि आप लोग घर मत जाइएगा, डरिए मत। हम जा रहे हैं, बढ़ सकता भी है, बढ़ भी सकता है, कुछ पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे कि कहा कि घर मत जाइएगा, यहीं रुकिएगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ, भरोसा नहीं उन पर? अरे कोई भरोसा ना है, बढ़ जाए आगे, नहीं फंस जाए, भूखे प्यादे मरी जाए। 3 दिन के भरोसा, पहले 6 दिन का लगाया और फिर साल भर का लगा, हम तो मजदूर आदमी है, रोटी व्यवस्था में यहाँ कहाँ से कराया देंगे रूम का। ये बताइए कोरोना से ज़्यादा डर लगता है कि लॉकडाउन से ज़्यादा डर लगता है? लॉकडाउन से ज़्यादा डर लगता है। लॉकडाउन से ज़्यादा डर लगता है? कोरोना से बच के काम तो कर लेंगे, पेट तो पालेंगे, लॉकडाउन से क्या करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दो। अरे लॉकडाउन लगा देंगे तो खाएंगे क्या? मजदूर आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोरोना से डर नहीं है, लॉकडाउन से ज़्यादा डर है। हाँ। अच्छा ये बताइए, पीछे पीते लॉकडाउन जब पिछली साल लगा था तब आप कहाँ थे?
थे तो यूपी में थे, अलीगढ़ थे। तो घर पर ही थे, फिर वापस कब आए थे? वापस तो अभी आया था। अभी आए और एक बार फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वही समस्या, फिर घर जाना। पिछले साल की तरह डर होगा कि कहीं अचानक से लगा दिया जाए तो पैदल जाना पड़ जाए, सारे ट्रांसपोर्ट ना? यही डर है, यही डर है। अब तो वाहन चल रहे हैं, पैदल जाएंगे क्या, कहाँ तक जाएंगे, यूपी जाते जाते पागल हो जाएंगे हम तो। तो ये बताइए, देखिए आम लोग बड़ा सुन जानना चाहते हैं इस चीज़ को, आप लोगों को जनता की तरह लॉकडाउन से ज़्यादा डर लगता है, कोरोना से नहीं लगता उतना? लॉकडाउन से ही लगता है, कोरोना से नहीं लगता। लॉकडाउन से डर लगता है हमको तो, कोरोना से डर नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन की वजह से क्या क्या समस्याएं आई? समस्याएं खुल गई हैं हम तो, क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं जो आपकी बात वहां तक पहुंचाई जाए कि ये वजह है? वजह ये है, हम तो मजदूर आदमी हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, जब लॉकडाउन लग जाए तो कमाएंगे खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे, यही समस्या, और क्या समस्या। अच्छा, और कोरोना की वजह से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन से बड़ी समस्या है? लॉकडाउन से समस्या हम लोगों को। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ के बीच ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर, हमने सुना कि किस तरीके से सवारियों को बुला रहे थे। यहाँ पर ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, ये यहाँ पर सवारियों को बैठाने का काम करते हैं बसों में। तो ऐसे में ये बताइएगा, बीते 2-3 दिन से जब से लॉकडाउन की आहट सुनाई दी, उसके बाद लॉकडाउन लग भी गया, 6 दिन का लगा है हालांकि, लेकिन इसके बाद किस तरीके की यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है उसमें कितना इजाफा देखने को मिला? कल से या परसों से दो दिन बहुत भीड़ थी, आज से थोड़ा कम हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये बताइए जब कोरोना जैसी चीज़ चल रही है, जब कहा जाता है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, एक जगह पर भीड़ ना फैलाएं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर, आप कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि लोग इतना खतरा मोल लेकर भी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं घर जाने के लिए एक साथ, तो उनके लोगों से आप ज़्यादा मिलते होंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा रहता होगा? कोई सैनिटाइजर का वो नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा भाई, ये चलो चलो, हर आदमी को ये लगी हुई है कि अपने घर कैसे ही पहुँच जाए, कोई तो मजबूरी से जाएगा, मजबूरी है, यहाँ गाड़ी का इंतजाम नहीं है, साधन नहीं है, बताओ कैसे पहुंचा जाएगा, कोई तो मजबूरी रही होगी ना कि कोरोना जैसे खतरे को देखते हुए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, कहीं तो कोई तो खतरा नजर आ रहा होगा ना, कोई तो डर होगा, कोई तो मजबूरी होगी, क्या लग रहा है आप उनसे ज्यादा मिलते रहते हैं, ज्यादा लोगों से आप सामना करते हैं? लग ये रहा है कि पता नहीं कि लॉकडाउन लग गया पहले की तरह, जैसे कह रहे थे कि 1 दिन का लॉकडाउन लगा फिर 3 महीने का लगा दिया, इसी तरीके से पब्लिक डरी हुई है, तरीके से डरी हुई है, इसी वजह से एक साथ सवारियां जो है सैलाब से आ गया सवारी जी, एक साथ आ गया, आदमी से आदमी भिड़ के चल रहा था पुल पे। अभी क्या लगता है कि सवारियां जो है जाने वाली निकल चुकी हैं, अभी आपको लग रहा है कि और भी सवारियां देखने को मिलेंगी? नहीं, अब तो ना कि बराबर आ रही हैं, क्योंकि फोर्स ने रोक रखा है सबको, अड्डे से भितरले अड्डे में करा जा रहा है, फोर्स भीतर कर रही है। कहां से कहां फोर्स कहां लगाई गई है? आनंद विहार में भी लगाई गई है, बाहर भी लगाई गई है, आनंद कौसामली पे भी लगाई गई है, सब जगह लगाई गई है। मैं बोल रहा हूँ, जब से ये लोग आया कुछ ही देर मेरा सामने गाड़ी लोड करके आए हुए, ठीक है, आने का बाद से देख रहा ये लोग, हाँ जी, वो बंदा तब से मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, पता नहीं वो अपना बीबी से बात कर रहा है या गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, ऑन ड्यूटी में लोग को इतना मीन्स डेंजर टाइम पे लोग को दिया ड्यूटी का निकल, और ये लोग देखिए ऊपर में भी वही हाल है, मतलब ये लोग टहल रहा है जैसे कि पार्टी का नया, वो देखिए वहाँ पर गोला बना के खड़ा हुआ है, हर जगह आप कह रहे हैं कि गोला बना के खड़े हैं, वो भी पीछे की तस्वीर दिखाइएगा जरा, आपके बिल्कुल पीछे ये गोला बना के यहाँ पे पिकनिक, बस टाइम पास कर रहा है, ये लोगों को कोई मतलब ही नहीं पड़ता जो पब्लिक को क्या करना है, रास्ताओं को ठीक से नहीं देख रहा अभी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं देख रहा है, ऑन ड्यूटी में ना ये लोग को तो फिलहाल का जो कोविड का पीरियड में ना ये लोग को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, सच्ची में मोबाइल नहीं देना चाहिए। से आप कह रहे हैं कि जब से वो पुलिस वाला जो शख्स है वो देख रहा, मैं आधा घंटा से फॉलो कर रहा उसको, ठीक है, वो तब से मोबाइल में ही बात कर रहा है, इतना बात किससे कर रहा है, वो अपना सीनियर से कर नहीं रहा, अपना घर वालों में ही किसी के साथ बात कर रहा है, तो टाइम पास के लिए थोड़े आया हुआ है, ड्यूटी करना चाहिए ना। आप क्या करते हैं? मैं तो मेरा दार्जिलिंग से एक दोस्त आ रहा है, उसको पिक करने आया मैं, ठीक है, एयरपोर्ट से वो बाय मेट्रो आ रहा है, तो आनंद विहार से, मैं वैसे तो जॉब करता हूँ सिनेमा हॉल में, फिलहाल में जॉब करते हैं। तो आपने देखा कि बीते आधे घंटे पौन घंटे से पुलिस शख्स जो है वो फ़ोन पर लगा, बस ऐसा ही हर जगह में पुलिस वाला, सिर्फ यही लोग नहीं है, हर जगह में देखिएगा, ये लोग का सीनियर नहीं रहने से ये लोग बस यही दो चार, अगर एक जगह में ड्यूटी देना तो दो चार गोला होकर ही रहता है, ड्यूटी का सही से निर्वाहन नहीं करता अभी, बिल्कुल नहीं करता। तो देखिए इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखें, बेहतर ढंग से यहाँ पर व्यवस्थित कर सके लोगों को, ताकि यहाँ पर एक साथ भीड़ जो है एक साथ इकट्ठी ना हो सके, लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक जागरूक नागरिक कहूँगा मैं, यहाँ पर हमको मिले, उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाला जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा,
आप तस्वीरों में देखिए कि वो जो पुलिस वाला जो मेरे पीछे दिख रहा है, वो बीते आधे घंटे से, यहाँ पर एक शख्स थे उन्होंने बताया कि बीते आधे घंटे से वो फ़ोन पर लगे हुए हैं और लगातार फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर इतना नज़र नहीं है, लेकिन हाँ अपनी पर्सनल जो भी काम है वो ड्यूटी की आड़ में लगातार कर रहे हैं। यह आनंद विहार है, यहाँ पर बीते दो दिन से तस्वीरें दिख रही हैं कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, लोग घरों को भाग रहे हैं। तो जब ऐसे में मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं उन्होंने खुद कहा कि आप लोग रुकिए, छः दिन बाद लॉकडाउन शायद ख़त्म होगा, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मत जाइएगा घर, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों घर जा रहे हैं? देखिए पहले दो दिन के लिए लगा था, ठीक ना, दो दिन के लिए आप व्यवहार में देखिए छः दिन हो गया, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हम लोग को परेशानी बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, पहला जैसे ना हो जाएगी मेरे को परेशानी बढ़ जाएगी, आगे भी बच्चा आगे देखना ना पड़े ऐसे परेशानी बढ़ जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन में, लॉकडाउन लग जाता है मान लीजिए आप यहीं रहते हैं, तो किस किस तरीके की परेशानियाँ जो आपको सामना करना पड़ता है, हर को ये जानना चाहिए। सबसे पहला बात ये है कि पहले रूम किराया सबसे पहले देना पड़ता है, पहले ऐसा बात नहीं है कि रूम किराया छूटता है, रूम किराया देना ही पड़ता है, मेन चक्कर ये है कि रूम किराया सबसे पहले कि रूम किराया लेता है बंदा, ठीक है ना, बिजली बिल तक नहीं छोड़ता, जबकि 200 यूनिट फ्री है तब पर भी केजरीवाल का यहाँ पे फ्री कर रखे हैं तब पर भी रूम मालिक छोड़ता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कि अगर कम से कम रूम किराया तो बच जाए, ठीक है ना। तरीके से कहा जाता है कि दूर दूर रहिए भैया, दूर दूर, जिस तरीके से कहा जाता है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा लेकिन उसके बाद भी चीज़ें जो है उन पर नज़र बनाई रखी जाएगी कि आप लोगों से किराएदार रुपया ना ले, जैसे पिछली बार हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि सरकार इस बार भी शायद उसी तरह का सहयोग करेगी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सहयोग क्या, रूम भर किराया तो छोड़ता ही नहीं है। कितने साल कहाँ थे लॉकडाउन के दौरान? यहीं पे थे, यहीं पर थे, हाँ इसलिए भाग रहे हैं इससे पहले फिर ऐसा ना नुकसान करना पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपना घर वापस जा रहे हैं। ये बताइए लॉकडाउन से ज़्यादा डर लगता है या फिर कोरोना से ज़्यादा डर लगता है? देखिए लॉकडाउन से तो सबसे बड़ी बात है सुरक्षित अगर रहेंगे तो लॉकडाउन कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, अगर सुरक्षित हम रहेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है कि पैसा, पैसा नहीं रहेगा तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, मेन चक्कर ये है। कुल आपकी जमा बात ये है कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं लगता जितना खतरनाक लॉकडाउन लगता है? जी यही बात है और कुछ नहीं। बड़े बाबू बैठे होते हैं इसी कमरों में, वो तो कहते हैं कि ठीक है कोरोना आ गया लॉकडाउन लगा दो, जमीन उनको तो पैसा कमी तो है नहीं, हम लोग को तो भाई कमाते खाते हैं, मेन चक्कर यही है 400-450 की दिहाड़ी मिलता है, खाते जी। लॉकडाउन में भी भूखा मरना है तो उससे बढ़िया है कि भूखा क्यों मरे, कुछ करके मरे, काम करके मरे। अच्छा ये बताइए लोग यहाँ पर देखिए कोरोना फैल रहा है तो वो तो हम समझते हैं कि लोग एकदम से डर जाते हैं, घरों को भागते हैं, कोई तो मजबूरी रही होगी, लेकिन कोरोना ज़्यादा खतरनाक लगता है या फिर लॉकडाउन ज़्यादा, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं बताइए? लॉकडाउन से इसलिए डर लगता है क्योंकि जब बाल बच्चा जो है वो इन्हीं रोजी रोजगार से चलता है, अगर ये रोजी रोजगार सही नहीं चला तो बच्चा तो ऑटोमेटिक घर में जब परेशान होएगा मरेगा, तो उससे फ़ायदा क्या है, उससे बढ़िया है कि लॉकडाउन में मरे या लॉकडाउन में मरे, जैसे भी मरे मरना तो है ही, काम करो अपना जब तक। पिछले साल भी देखा गया कि कोरोना से जितने लोगों की मौतें ना हुई हो या कोरोना से जितने लोगों को क्षति ना पहुंची हो उससे ज़्यादा तो लॉकडाउन की वजह से लोग पैदल हजारों किलोमीटर घर को निकल गए, कितने लोग रास्तों में मर गए, तो ऐसे में लॉकडाउन आपको लगता है कि कोरोना के दौरान एक विकल्प है? ये कोई फ़ायदा नहीं है इससे, बस ये है सुरक्षित, जैसे लोगों कह दिया कि भाई मास्क लगा के रखो, मास्क लगा के रखो, कारोबार खुला होना चाहिए, बगैर इतने भीड़ भीड़ नहीं लगाना चाहिए, मतलब जैसा भी हो काम थोड़ा बहुत चलना चाहिए ताकि लोगों का रोजी रोजगार रोटी चलता रहे। आप यहाँ पर ऑटो चलाते? जी हमें ऑटो चलाते। ये बताइए एक दो दिन से कैसा भीड़ ज़्यादा देखने को मिली है, सवारियाँ भी ज़्यादा दिख रही होंगी आपको? सवारी ज़्यादा नहीं दिख रही, सवारी बस अड्डे में दिख रही है, बाकी तो कहीं आदमी दिखता ही नहीं है, पूरी दिल्ली में ऐसे लगता है जैसे वो क्या बोलते हैं कर्फ्यू, जैसे कर्फ्यू लग गया हो। बीते साल भी आनंद विहार में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, एकदम से भीड़ आ गई थी, इस साल भी वैसे ही? हाँ, तो इस साल भी उससे भी बुरा हाल है, मतलब लोग अब यहाँ पे रही कहाँ, अब जो भी है वो जा रहे हैं, ये तो दिल्ली खाली हो चुकी है, दिल्ली यूपी अब खाली हो के सब बिहार जा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक है कहाँ, अब तो यही है जो यहाँ चमक रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है पब्लिक, पब्लिक तो गए सब और जा रहे हैं, जो बचे खुचे वो भी जा रहे हैं। तो लॉकडाउन लगने का जितना खतरा लोगों को यहाँ लगता है उससे कम खतरा यहाँ पर कोरोना से लगता है, लेकिन ये चिंताजनक तस्वीरें हैं जो यहाँ पर भीड़ बीते साल की तरह एक बार फिर उमड़ पड़ी है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोरोना से तो एक बार को बच जाएंगे लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो उनके पेट पर लात पड़ेगी उससे वो कैसे बचेंगे, खतरा दोनों तरफ से है, लेकिन सरकारों को चाहिए कि लॉकडाउन को ही सिर्फ विकल्प ना मानते हुए दोनों तरफ का रास्ता कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे इन गरीब इन मजदूरों का भी भला हो सके। इसके साथ ही कोरोना का इकलौता इलाज सिर्फ लॉकडाउन को ना समझकर
हर तरफ की तस्वीरें जो हैं वो भी साझा की जानी चाहिए, वो भी समझी जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज के भारत एट नाइन में इतना ही, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।